एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ड्रामेटिक ग्रुप। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे चैप्टर टिश्यूज और कल की क्लास में हमने स्टार्ट किया था विद न्यू टॉपिक दैट इज एनिमल टिश्यूज, जिसमें हम सबसे पहले टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू दैट इज एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में पढ़ रहे थे, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एपिथीलियम। एपिथीलियल टिश्यूज बेसिकली वो टिश्यूज होते हैं जो एक तरीके से प्लांट बॉडी में एपिडर्मिस काम करते हैं, यानी कि प्लांट बॉडी में जो एपिडर्मिस का काम है वही काम एनिमल बॉडीज में एपिथीलियल टिश्यू और एपिथीलियम टूज। कल की क्लास में हमने एपिथीलियल टिश्यूज के फर्दर टू टाइप्स किए थे, दैट इज स्क्वैमस एंड क्यूबॉइडल। नाउ इन टुडेज क्लास वी विल कंटिन्यू विद दैट टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द थर्ड काइंड ऑफ एपिथीलियल टिश्यू, दैट इज द कॉलमनर एपिथीलियल टिश्यू और द कॉलमनर एपिथीलियम। बेसिकली जो कॉलमनर एपिथीलियम के सेल्स होते हैं दे आर टॉलर दैन ब्रॉडर, यानी कि जो कॉलमनर एपिथीलियम के सेल्स होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं एज कम्पेयर टू देयर ब्रॉडनेस और टू द विड्थ, यानी कि जो कॉलमनर एपिथीलियम के सेल्स होते हैं वो लंबे होते हैं लेकिन उनकी जो विड्थ होती है, जो उनकी मोटाई होती है, दैट इज लेस। सो सेल्स आर टॉलर दैन ब्रॉडर। नेक्स्ट पॉइंट इज बेसिकली जो हमारे कॉलमनर एपिथीलियम के सेल्स हैं हम उनको कहाँ कहाँ पे फाउंड आउट कर सकते हैं और वेयर दे अकर। दे फॉर्म द लाइनिंग ऑफ स्टमक द स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पे हम उन्हें म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। राइट, तो बेसिकली जो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होती है वो किसके थ्रू फॉर्म होती है, कॉलमनर एपिथीलियम के थ्रू, वेयर दे आर कॉल्ड द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड द गॉल ब्लैडर और द ओवी डक्ट्स। एंड द लास्ट इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ कॉलमनर एपिथीलियम। कॉलमनर एपिथीलियम का फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। एब्जॉर्प्शन फंक्शन इज परफॉर्म्ड इन द स्टमक और इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द सिक्रीशन फंक्शन इन द गॉल ब्लैडर एक्सेट्रा। तो कॉलमनर एपिथीलियम बेसिकली क्या होता है, कॉलमनर एपिथीलियम के जो सेल्स होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं एज कम्पेयर टू देयर ब्रॉडनेस टू देयर विथ, सो देयर सेल्स आर टॉलर देन ब्रॉडर। हम कॉलमनर एपिथीलियम के सेल्स को कहाँ फाउंड आउट कर सकते हैं, इन द स्टमक और इन द स्मॉल इंटेस्टाइन और द गॉल ब्लैडर और द ओवी डक्ट्स। राइट, एंड द मेन फंक्शन ऑफ कॉलमनर एपिथीलियम इज एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। एब्जॉर्प्शन इज डन इन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सिक्रीशन इन द गॉल ब्लैडर ओविडक्ट्स एक्सेट्रा। सो दिस वॉज अबाउट कॉलमनर एपिथीलियम। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द नेक्स्ट काइंड ऑफ एपिथीलियम। नाउ द नेक्स्ट काइंड ऑफ एपिथीलियम टिश्यू और एपिथीलियम इज ग्लैंडुलर एपिथीलियम। बेसिकली ग्लैंडुलर एपिथीलियम को समझने के लिए आप इसमें ग्लैंड वर्ड से इसे रिलेट कर सकते हो। राइट, ग्लैंडुलर ग्लैंड, ग्लैंड बेसिकली हमारी बॉडीज में होते हैं जो वेरियस केमिकल्स सिक्रीट करते हैं जो हमारी बॉडी को डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं, लाइक वी हैव स्वेट ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारे जो ग्लैंड्स होते हैं दे सिक्रीट सम ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल्स विच आर यूज फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेज। सो ग्लैंडुलर एपिथीलियम भी बेसिकली ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है टू हेल्प इन द सिक्रीशन ऑफ द केमिकल्स। और आखिर ग्लैंडुलर जो एपिथीलियम है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, द कॉलमनर एपिथीलियम इज मॉडिफाइड, यानी कि जो हमारे कॉलमनर एपिथीलियम होते हैं दैट इज द सेल्स आर टॉलर देन ब्रॉडर, वो ही जो सेल्स हैं थोड़े मॉडिफाइड फॉर्म में हमारे ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं टू सिक्रीट द केमिकल्स। और जो हमारे एपिथीलियम सेल्स ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथीलियम। तो ग्लैंडुलर एपिथीलियम का स्ट्रक्चर बेसिकली कैसा होता है, ये वो सेल्स होते हैं जो कॉलमनर एपिथीलियम का ही थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन होते हैं, यानी कि जो हमारे कॉलमनर एपिथीलियम के सेल्स हैं उन्हीं को थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ होता है जो सेल्स हमारे ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं, ताकि दे कैन हेल्प द ग्लैंड्स टू सिक्रीट द केमिकल्स। और एज दे आर प्रेजेंट इन द ग्लैंड्स देन दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द ग्लैंडुलर एपिथीलियम। सो ग्लैंडुलर एपिथीलियम बेसिकली
कॉलमनर एपिथीलियम का ही एक मॉडिफाइड वर्जन होते हैं जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इन द ग्लैंड्स, किस लिए? टू सिक्रीट द केमिकल्स और टू हेल्प इन द सिक्रीशन ऑफ केमिकल्स। नाउ द नेक्स्ट काइंड ऑफ एपिथीलियम इज सिलिएटेड एपिथीलियम और द सिलिएटेड एपिथीलियल टिश्यू। बेसिकली जो सिलिएटेड एपिथीलियम होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज ऑलमोस्ट लाइक दैट ऑफ कॉलमनर और द क्यूबॉइडल सेल्स, यानी कि उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसी सी शेप का होता है जिसमें हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है, वी हैव अ न्यूक्लियस, राइट। तो कॉलमनर या जो क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं उन्हीं की जैसी शेप होती है सिलिएटेड एपिथीलियम सेल्स की भी, लेकिन देयर इज ओनली वन डिफरेंस जिसकी वजह से हम इन्हें सिलिएटेड एपिथीलियम कहते हैं। बेसिकली सिलिएटेड एपिथीलियम में ये जो वर्ड है सीलिया, दिस इज द डिफरेंस, राइट। ये जो सीलिया होता है एक्चुअली में जो हमारे कॉलमनर या फिर जो क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं उनके जो एंड्स होते हैं वहाँ पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। लाइक दीज देर आर थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन द एंड्स ऑफ द कॉलमनर और द क्यूबॉइडल सेल्स, और इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं सीलिया, राइट। और जिन सेल्स में सीलिया प्रेजेंट होता है उन सेल्स को हम क्या कहते हैं, सिलिएटेड एपिथीलियम सेल्स। तो यानी कि सिलिएटेड एपिथीलियम सेल्स कौन से सेल्स होते हैं, वो सेल्स जिनकी जो शेप है वो होती तो क्यूबॉइडल या फिर कॉलमनर सेल्स जैसी है लेकिन उनके पास उनके एंड्स पर सीलियाज या फिर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से हम इन्हें सिलिएटेड एपिथीलियम भी कहते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट जो यही इंफॉर्मेशन हमें बता रहा है। सर्टेन क्यूबॉइडल और कॉलमनर सेल्स हैव फ्री बॉर्डर विच बियर थ्रेड लाइक साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ कॉल्ड द सीलिया। यानी कि सारे क्यूबॉइडल या कॉलमनर सेल्स नहीं बल्कि कुछ क्यूबॉइडल या जो कॉलमनर सेल्स हैं उनके जो बॉर्डर होते हैं दैट इज देयर एंडिंग्स वो ओपन होती हैं, और उनकी ओपन एंडिंग की वजह से यहाँ पर थ्रेड लाइक साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हो जाती है। यानी कि हमारा साइटोप्लाज्म सेल के अंदर भी प्रेजेंट होता है और सिलिएटेड सेल्स जो हमारे होते हैं उनमें फ्री एंड्स होने की वजह से जो हमारे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं दे आर द साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, और इन साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, सीलिया। और ये जो हमारे सिलिएटेड एपिथीलियम के सेल्स हैं इनको हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्यूबॉइडल या कॉलमनर सेल से, ड्यू टू दिस सीलिया, इसी की वजह से इनको नाम भी इसी के सीलिया के बेसिस पे दिया गया है, सिलिएटेड एपिथीलियम। तो सिलिएटेड एपिथीलियम सेल्स बेसिकली वो सेल्स होते हैं जो कॉलमनर या क्यूबॉइडल ही होते हैं लेकिन उनके एंड्स पे साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ की वजह से सीलिया डेवलप हो जाता है एंड दे बिकम सिलिएटेड एपिथीलियम सेल्स। Now let us see that where we can find the ciliated epithelium cells or the where they occur. They basically they are found in the trachea. Trachea is the windpipe, or the bronchi. Bronchi is present in the lungs or in the kidney tubules or the sperm duct or the oviduct. तो यानी कि ये जो सारे organs या फिर जो parts हैं हमारी body के वहाँ वहाँ पर हमारे सिलिएटेड एपिथीलियम टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ट्रैकिया, ट्रैकिया बेसिकली विंड पाइप होता है, विंड पाइप से रिलेटेड होता है। ब्रोंकाई इज रिलेटेड टू द लंग्स, किडनी ट्यूब्यूल्स इज रिलेटेड टू द किडनीज, स्पर्म डक्ट इज द डक्ट प्रेजेंट इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड ओविडक्ट इज प्रेजेंट इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बेसिकली ये जितने भी ऑर्गन्स या फिर बॉडी पार्ट्स हैं या फिर पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैं वहाँ पर हम सिलिएटेड एपिथीलियम को फाउंड आउट कर सकते हैं। ना बेसिकली इन सब एरियाज में बेसिकली जितने भी एग्जांपल्स हैं दे ऑल आर द डक्ट्स, राइट। तो बेसिकली हमारे जो सिलिएटेड एपिथीलियम टिश्यूज हैं वो डक्ट्स में ही क्यों प्रेजेंट होते हैं, ताकि ये हमारी जो मूवमेंट है
सॉलिड पार्टिकल्स की उसको हेल्प कर सकें। एक्चुअल में ट्रैकिया विंड पाइप हमारी एयर फ्लो करती है, वहाँ से ब्रोंकाई द किडनी ट्यूब्यूल्स द स्पर्म डक्ट और द ओविडक्ट, ये सभी डक्ट हैं जिनमें जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं वो फ्लो करते हैं। और ये जो सिलिएटेड एपिथीलियम के जो सीलियाज होते हैं दे मूव बैक एंड फोर्थ, यानी कि इनमें रिदमिक मूवमेंट होती रहती है जिसकी मदद से ये जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो इन डक्ट्स में एक ही डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं। यानी कि ये जो हमारे सीलियाज होते हैं, अब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है तो इनमें रिदमिक मूवमेंट होती रहती है जिसकी मदद से इन सभी डक्ट्स में जो भी सॉलिड पार्टिकल आता है वो इन सीलियाज की मदद से एक ही डायरेक्शन में मूव कर पाता है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द सिलिएटेड एपिथीलियम, दैट द मूवमेंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स कैन बी डन इन वन डायरेक्शन। सो दिस वॉज अबाउट सिलिएटेड एपिथीलियम। इसी के साथ हमारा फर्स्ट काइंड ऑफ टिश्यू दैट इज द एपिथीलियल टिश्यू का टॉपिक खत्म होता है। इन दिस टॉपिक वी डन ऑल द टाइप्स ऑफ एपिथीलियम, दैट इज स्क्वामस एपिथीलियम, कॉलमनर एपिथीलियम, क्यूबॉइडल एपिथीलियम, ग्लैंडुलर एपिथीलियम एंड द सिलिएटेड एपिथीलियम। मसल टिश्यूज, बेसिकली मसल टिश्यूज वो मसल टिश्यूज होते हैं जिनमें मसल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। द मसल सेल्स आर इलोंगेटेड एंड लार्ज साइज, यानी कि मसल टिश्यूज में जो सेल्स होते हैं दैट इज द मसल सेल्स, उनका साइज कैसा होता है, दे आर इलोंगेटेड एंड लार्ज साइज एंड दे आर ऑफन रेफर्ड टू एज द मसल फाइबर्स, यानी कि जो हमारे मसल सेल्स हैं हम उनको मसल फाइबर्स भी कहते हैं एंड दे आर इलोंगेटेड एंड लार्ज साइज। नेक्स्ट पॉइंट, बेसिकली द मसल सेल्स हेल्प इन द मूवमेंट, एक्चुअली द मूवमेंट आर ब्रॉट अबाउट बाय द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट इन द मसल सेल्स। आपने बेसिकली ऑब्जर्व किया होगा कि जो हम मूवमेंट करते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द मसल्स प्रेजेंट इन आर बॉडी, तो राइट। अब बेसिकली जो मसल सेल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, यानी कि जब हमारी मसल सेल्स या मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं तो उसकी मदद से हमारी बॉडी मूवमेंट शो करती है। और जो मसल सेल्स हैं अब वो कॉन्ट्रैक्शन या फिर रिलैक्सेशन क्यों शो करते हैं, ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन विच इज़ प्रेजेंट इन देम, यानी कि जो हमारे मसल सेल्स होते हैं उनमें एक प्रोटीन होता है दैट इज़ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जिसकी मदद से हमारे मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में मूवमेंट हो पाता है। और इसी वजह से मसल टिश्यू को कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू भी कहा जाता है। तो मसल टिश्यू को कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू भी कहा जाता है क्योंकि जो मसल टिश्यूज होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन टू हेल्प इन द मूवमेंट। सो दैट्स व्हाई मसल टिश्यूज आर आल्सो कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज। नाउ फर्स्ट क्लास जब हमने एनिमल टिश्यूज की पढ़ी थी तो उसमें मैंने आपको यही बताया था कि मसल टिश्यूज आर डिवाइडेड इंटू फर्दर थ्री कैटेगरीज, दैट इज स्ट्रिएटेड, स्केलेटल, सॉरी स्मूथ एंड कार्डियक, राइट। सो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ मसल टिश्यू दैट आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, फर्स्ट इज स्ट्रिएटेड मसल्स, सेकेंड इज स्मूथ मसल्स एंड थर्ड इज कार्डियक मसल्स। नाउ वी विल स्टडी ईच वन ऑफ देम इन डिटेल। Let us start with the first kind of muscle tissue or the muscle cell, that is striated muscles. Basically, जो striated muscles होती है उनको हम striated skeletal और voluntary muscles भी कहते हैं, यानी कि जो striated muscles है उनको हम striated muscles भी कह सकते हैं, उनको हम skeletal muscles भी कह सकते हैं और उनको हम voluntary muscles भी कह सकते हैं। अब basically हम इन्हें इन तीनों नामों से क्यों बुलाते हैं, let us discuss. बेसिकली जो स्ट्रिएटेड मसल्स होती हैं दे आर ऑफ लाइक दिस शेप,
इसमें हमारे पास ऑल्टरनेट कलर्स होते हैं राइट, लाइक देयर इज अ डार्क कलर हेयर, देन देयर इज अ लाइट कलर हेयर, देन अ डार्क वन एंड देन अ लाइट वन राइट. तो ऐसे हमारे स्ट्रिप्स में होता है स्ट्रिएटेड मसल टिश्यू, यानी कि एक डार्क कलर, एक लाइट, एक डार्क, एक लाइट, ऑल्टरनेटिवली दे कीप ऑन चेंजिंग. इसीलिए हम स्ट्रिएटेड मसल्स को स्ट्राइप्ड मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि स्ट्रिएटेड मसल टिश्यूज में बेसिकली स्ट्राइप्स बनी होती हैं ऑफ ऑल्टरनेट डार्क कलर एंड लाइट कलर, डार्क कलर, लाइट कलर, लाइट, डार्क कलर, लाइट कलर एंड सो ऑन. नाउ द नेक्स्ट इज स्केलेटल मसल्स. बेसिकली जो हमारी बोन्स होती है उनके साथ जो हमारे मसल्स होते हैं दे आर द स्ट्रिएटेड मसल्स, यानी कि हमारी बोन्स के साथ कौन से मसल टिश्यूज होते हैं, स्ट्रिएटेड मसल टिश्यूज. सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड द स्केलेटल मसल टिश्यूज, क्योंकि जो हमारी स्ट्रिएटेड मसल्स हैं दे आर रिलेटेड और दे आर अटैच्ड विद द बोन्स, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड स्केलेटल मसल्स. नेक्स्ट इज वॉलेंट्री मसल्स. बेसिकली जो स्ट्रिएटेड मसल्स होते हैं दे वर्क ऑन आर विल, यानी कि अगर मैं अपने हैंड को स्ट्रेच करती हूँ तभी मेरा हैंड स्ट्रेच होता है ना, तो मतलब कि जो मैं चाहती हूँ उसी के हिसाब से मेरी मसल्स वर्क कर रही हैं एंड दीज मसल्स आर द स्ट्रिएटेड मसल्स, इसलिए हम इन्हें वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं. नेक्स्ट इज बेसिकली इनके सेल्स कैसे होती है. द सेल्स आर लॉन्ग और इलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल इन शेप, यानी कि जो स्ट्रिएटेड मसल के सेल्स होते हैं और द स्ट्रिएटेड मसल फाइबर्स दे आर लॉन्ग और इलोंगेटेड एंड आर सिलेंड्रिकल इन शेप. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस सेल्स इज दैट दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी कि जो हमारे स्ट्रिएटेड मसल सेल्स होते हैं उनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स. नाउ लेट अस सी दैट बेसिकली जो हमारी स्ट्रिएटेड मसल्स होती है वो कहाँ कहाँ पे हम उन्हें फाउंड आउट कर सकते हैं और वेयर दे आर प्रेजेंट. बेसिकली दे आर प्रेजेंट इन द मसल ऑफ लिम्स, दैट इज द बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स ऑफ द आर्म एक्सेट्रा. दे आर प्रेजेंट इन द मसल्स ऑफ लिम्स, इन द फेस और इन द मसल्स ऑफ द नेक एक्सेट्रा. एंड इवन दे आर प्रेजेंट इन द टंग, डायफ्रेगम और द अपर पार्ट ऑफ ईसोफेगस. सो स्ट्रिएटेड मसल्स आर फाउंड इन द मसल्स ऑफ लिम्स, द मसल्स ऑफ फेस, द मसल्स ऑफ नेक एक्सेट्रा एंड दे कैन इवन बी फाउंड आउट इन द टंग, डायफ्रेगम और द अपर पार्ट ऑफ ईसोफेगस एंड हेयर दे आर कॉल्ड विसरल स्ट्रिएटेड मसल्स राइट. सो व्हेन द स्ट्रिएटेड मसल्स आर प्रेजेंट इन टंग, डायफ्रेगम और द अपर पार्ट ऑफ ईसोफेगस दे आर कॉल्ड द विसरल स्ट्रिएटेड मसल्स. नाउ लेट अस सी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्ट्रिएटेड मसल्स. बेसिकली द फर्स्ट फंक्शन इज दे आर पावरफुल एंड कैन अंडरगो रैपिड कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जो स्ट्रिएटेड मसल्स होते हैं दे आर वेरी पावरफुल एंड दे कैन अंडरगो रैपिड कॉन्ट्रैक्शन टू हेल्प इन द मूवमेंट. बट देर इज वन मोर पॉइंट अबाउट द स्ट्रिएटेड मसल्स, दैट दे कैन गेट टायर्ड राइट, दे कैन गेट टायर्ड. अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्ट्रिएटेड मसल्स है दे आर प्रेजेंट इन आर आर्म्स, वेन यू आर राइटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम your hand will get tired and you need some rest, that is due to the striated muscles, because striated muscles are although powerful and they can even undergo rapid contraction, but after a point of time they need rest and they become tired. Now the next function of striated muscles is they provide force for locomotion and the other voluntary movements in a body, yani ki as a human or as an animal जो भी एक्टिविटीज़, जो भी मूवमेंट्स हम शो करते हैं दे आर ड्यू टू द स्ट्रिएटेड मसल्स. सो दे प्रोवाइड फोर्स फॉर लोकोमोशन, दैट इज मूवमेंट और वॉकिंग, एंड फॉर अदर वॉलेंट्री मूवमेंट्स दैट वी डू ऑन आर ओन. सो स्ट्रिएटेड मसल्स हैव दीज टू इम्पॉर्टेंट फंक्शन. सो दिस वॉज अबाउट स्ट्रिएटेड मसल्स. द नेक्स्ट टू काइंड ऑफ मसल्स, दैट इज स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स, वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास.
Do like our videos and subscribe to our channel Grammy to Grow for more related videos.